वेलकम बैक टू क्रिएटिव किड्स। आज हम देखने वाले हैं कि बच्चों से ड्राइंग प्रॉपर कैसे करवानी है, उनको उसमें इंटरेस्ट कैसे जगाना है, ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट है और बच्चों से को कैसे सिखाना है, क्या ट्रिक्स है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें क्या करना है, ये बच्चों को जब हम कुछ भी कलरिंग के लिए देते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कोई भी बुक लाके मार्केट से बुक लाते हैं और बुक दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, बच्चों को ब्लैंक पेजेस देने हैं या फिर आप कोई भी ड्राइंग बुक लाके दीजिए, उसमें आप बच्चों को शेप्स निकाल के दीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे शेप्स निकाले हैं, तो ये जब हम बच्चों को स्टार्टिंग में करवाते हैं तो बच्चों को शेप्स देते टाइम छोटे छोटे नहीं देने हैं, स्मॉल नहीं देने, उनको बड़ा सा शेप देना है ताकि वो स्टार्टिंग रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप छोटा शेप देते हो तो वो कलर बाहर जाता है, उनके हाथ को अभी तक ग्रिप नहीं आने वाली है, तो इसीलिए हमें पहले उनको बड़े बड़े शेप देने हैं। नेक्स्ट और क्या करने कर सकते हैं हम, कि हम जो बच्चों को कलरिंग करने के लिए जो शेप निकाल के देते हैं तो उसकी बॉर्डर हम कैसे निकालते हैं, स्मॉल रहती है, थिक नहीं रहती है, तो थिक बॉर्डर देनी है बच्चों को, ताकि क्या होता है, ये बाउंड्री अगर उनकी थिक है तो उससे वो बाहर नहीं जाते हैं। और एक बार उनको हमने थिक बॉर्डर दी और वो अच्छे से करना सीख गए, उनके हाथ को हम क्या देख रहे थे कि इसमें हमने क्या किया है, बॉर्डर थिक करी है। इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा जब कलरिंग कर रहा है तो ये बॉर्डर जाड़ी है, इसलिए वो बाहर तक नहीं लेके जाएगा, और जाएगा भी तो भी थोड़ा कम जाएगा। स्टार्टिंग में बच्चों के हाथ को ग्रिप्स नहीं रहती है, इस वजह से वो बाहर आ जाता है। मम्मा बॉर्डर का बाहर निकल। यस वेरी गुड। छोटा होता ना जब बाहर निकल। यस ये स्मॉल था इसलिए वो बॉर्डर के बाहर गया। अब ये मैंने बड़ा शेप दिया है तो बच्चे आराम से वो कलरिंग करना सीख लेते हैं और उनको वो इंटरेस्ट भी आता है। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ड्राइंग बच्चों को ड्राइंग में इंटरेस्ट क्यों डालना है या उनका क्यों जगाना है। तो उसका सबसे पहला ये है कि वो ग्रास्प अच्छी करते हैं, और जब बच्चे ड्राइंग की वजह से पेंसिल अच्छे से पकड़ना सीखते हैं, क्रेयॉन्स अच्छे से पकड़ना सीखते हैं, तो उस वजह से उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट सेकेंड है कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल दिया, यहाँ पे ट्रायंगल दिया, आगे चल के हमने यही सर्कल में अगर ये दो आंखें दी, यहाँ पे नोज दिया, तो ये जब बच्चों को समझ में आता है कि ये मुंह है, ये आईज है, ये नोज है, तो ऐसा बच्चों की क्रिएटिविटी इसी वजह से बढ़ती है। वो अलग तरह से देखना सीखते हैं, तो किसी भी चीज को जब वो देखते हैं ना तो थोड़ा इनोवेटिव क्रिएटिव इससे देखते हैं। थर्ड इसका क्या होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। जब भी बच्चे कलरिंग करते हैं तो उनका पूरा कंसंट्रेशन जो कुछ है वो कहाँ पे रहता है कि कलरिंग बाहर नहीं जाना है बॉर्डर का, और हाथ का तो काम चालू ही है, तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ता है। और क्या होता है, कंसंट्रेशन क्यों, कि वो फोकस करते हैं कि उनको कलरिंग ये बॉर्डर लाइन के बाहर नहीं जाने देनी है, इस वजह से उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। फिफ्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है, जब बच्चा थोड़ा सा कलरिंग करता है और हम बच्चों को बोलते हैं कि वाह कितना मस्त किया है ना, बाहर नहीं जाने दिया, तो बच्चों को उस वजह से क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, बच्चों को लगता है कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, और इसी वजह से बच्चे और अच्छे से करना सीखते हैं। तो ये है ड्राइंग के इम्पोर्टेंस, इसी वजह से ड्राइंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नेक्स्ट सिक्स्थ है स्ट्रेस रिलीवर। ये क्या है, ये अभी फिलहाल तो बच्चों के काम का नहीं है, पर आगे चल के जब बच्चों के पास स्ट्रेस बढ़ता है, पढ़ाई का बढ़ता है, तो एक रिलीवर बोल के वो अगर ड्राइंग निकालने लग गए, कलरिंग करने लग गए, तो वो स्ट्रेस रिलीवर की जैसा काम करता है ड्राइंग। तो ये हुए अपने इम्पोर्टेंस। अब इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बोली है, ट्रिक्स क्या है कि आपको बच्चों को ब्लैंक पेज देना है या ड्राइंग बुक लाके देनी है। आप बच्चों के पास में बैठिए, आधा घंटा निकाल के बैठिए, साथ में उनको एक एक ड्राइंग जब आप निकाल के दे रहे, पहले शेप्स दो, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे बॉर्डर नहीं देनी है, थिक बॉर्डर देनी है। इस वजह से क्या हुआ कि बच्चे को समझ में आ गया कि ये ब्लैक ज़्यादा है ना,
इसके अंदर ही कलरिंग करना है, तो वो अच्छे से प्रॉपर कलरिंग भी करना सीख गए और साथ ही साथ उनका ग्रास्पिंग पावर बोलिए या इम्पोर्टेंस जो है ड्राइंग के, मैंने जो आपको पूरे वीडियो में बोले हैं वो भी उनके इम्प्रूव हो जाते हैं। इसलिए थिक बॉर्डर देनी है, ब्लैंक पेजेस देने हैं और उनको फिर ये जब बच्चा अच्छे से करने लग गया उसके बाद में आप उनको मार्केट से कोई भी बड़े बड़े पिक्चर वाली ड्राइंग बुक ला के दीजिए, कलर करने लगाइए, तो वो आगे चल के अच्छे से ड्राइंग करना सीख जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।